फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो हम लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोगों ने सिम्बायोसिस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था सिम्बायोसिस। इसमें हम लोगों ने देखा था होस्ट और पेस्ट दोनों को फायदा होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पैरासिटिज्म क्या है। पैरासिटिज्म इज द एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होगा और एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होगा, जिसका फायदा होगा, उसे बोलते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट जहां पे रहता है, जहां से न्यूट्रिशन लेता है, उसे हम लोग बोलेंगे होस्ट। और वो जो अदर ऑर्गेनिज्म है जिसको नुकसान होने वाला है, वो है होस्ट। ठीक है, एक है पैरासाइट, एक है होस्ट। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कसकटा के बारे में। कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, कंप्लीटली लैक ऑफ क्लोरोफिल, मतलब बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है। और किसी में भी अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, मतलब वो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो कसकटा अपने फूड के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग कसकटा को टोटल पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये होस्ट पर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए और ये धीरे धीरे होस्ट को किल्स द होस्ट प्लांट, धीरे धीरे होस्ट प्लांट को खत्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कसकटा को टोटल पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब ही क्या, एक का फायदा, एक का नुकसान। कसकटा को फायदा हुआ, उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, और इस प्लांट को नुकसान, वो मर ही गया कि पूरा प्लांट ही खत्म हो गया, फिर नुकसान तो हुआ ही। सो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल पैरासाइट। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें पैरासिटिज्म के बारे में, तो वो है मिस्टिलेटो। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और अपना खाना खुद बना सकता है। पर फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ क्लोरोफिल होना ही काफी नहीं है, उसको वाटर, न्यूट्रिशन, इन सब की जरूरत होगी। तो ये वाटर और न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है, जो कि होस्ट प्लांट। Depend on the host plant for water and certain nutrients. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे partial parasite भी बोलते हैं। Partial parasite क्यों? क्योंकि completely photosynthesis के लिए, food के लिए completely dependent नहीं है host plant पे। ये इसके पास chlorophyll है, so ये completely dependent नहीं है host plant पे, इसीलिए इसको partial parasite। और ये कंप्लीटली डिपेंड होता है होस्ट प्लांट पे, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं टोटल पैरासाइट। ठीक है, सो ये दोनों एग्जाम्पल कसकटा मिस्टिलेटो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम लोग कॉमन पैरासाइट की बात करें जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, वो है टैपवर्म, एस्करिस, लिवर फ्लूक। ठीक है, सो ये है पैरासिटिज्म के बारे में। ओके, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म में सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ लिया है, पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेडेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म हंट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, किल द अदर, किसके लिए, फॉर फूड के लिए। जो ऑर्गेनिज्म किसी और को हंट करता है उसे हम लोग बोलेंगे प्रीडेटर। और जिसको हंट किया गया है, मतलब जिसको किल किया गया है फूड के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे प्री। ठीक है,
अगर इनके हम लोग एग्जाम्पल्स के बात करें तो ये आप लोगों ने लाइफ में देखा होगा, डेली लाइफ में लायन, लायन हंट करता है, किल करता है, और फिर डियर बफेलो कुछ भी लिख सकते हैं, ईट डियर्स। तो इसमें लायन क्या है? इसमें लायन प्रिडेटर है और डियर क्या है? प्री। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग करेंगे स्नेक जो कि फ्रॉग को खाता है, तो स्नेक क्या है? प्रीडेटर। सॉग स्नेक क्या है? प्रीडेटर। और फ्रॉग क्या है? प्री। ठीक है, सो प्रिडेशन में यही तक। सो हमारा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। अगर यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।